नमस्कार सभी दोस्तों को, जितने भी वीडियो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एक गाना है पंजाबी, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, सबने सुना होगा लगभग। तो वही गाना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इस पोजीशन में। कल भी सुबह सुबह गया था मैं खेत पर, गाड़ी भरवाई थी गन्ने की, रामायण की आवाज़ आ रही थी बैकग्राउंड में। आज भी सेम है मामला, आज भी गाड़ी भरवाने जा रहा हूँ। अंतर इतना है कि कल सूरज देवता दिखाई दे गए है, आज मौसम फिर रिस्टोर हो गया अपना, ठंड पे सेट हो गया। बाकी तुम्हें दिखाते हैं खेत में पहुँच के, बाकी रास्ता तो दिखाइए कल आपने। आज हम हो गए थोड़े से लेट और लोने भर रहे हैं गन्ना। अब देखते हैं आज तो भी पूरा निकालेगा भर के सतेंद्र, पूरा भर के निकालेगा आज तो। चलो आज सतेंद्र करेगा हिम्मत, आज हम देखेंगे सतेंद्र क्या। वैसे ड्राइवर तो परफेक्ट है ही, खैर इसमें कोई दुराय ना। ठंड वंड तो ज्यादा ना हो रही भाई? गुड्डू ठंड लग गई क्या तुझे? नहीं नहीं ठंड ना लग रही। अरे और यार ठंड मारेगा तो कैसा होगा फिर? और बताइए सतेंद्र, मील भी सही चल रहा है तुम्हारा? मील सही चल रहा है। चलो वो आज तो हवा घूम गई भाई, पछाड़िया चल रही है आज। आपके दशहरे पे इसी कपड़े पहना के खंबे को और इसमें लगा देंगे आपके पटाखे सटाखे, और कुछ तो काम आमे। ट्रैक्टर चल, इतनी मदद तो मैं ही कर दूंगा तेरी। बारिश के आसार जो हैं भाई अब कम हो गए, क्योंकि कोहरा भी आ गया, फिर पछाड़िया घूम गई हवा। बारिश होने के चांस रहे पुरवाई में, पता हो तो पछाड़िया में भी जा पाए पता कुछ ना है फिर। लेकिन कोहरा देखो लगातार बढ़ रहा है, नहीं कम है आज। ये जूते लाया मैं ब्रांडेड, देखने में बढ़िया लग रहे हैं और हैं बड़े महंगे यार। ये मिले 2300 के, बस तुम्हें इतना करना का अगला जीरो हटाना। अभी सतेंद्र बता रहे हैं इसका एक दोस्त है हमारे गांव में, रात उसके यहाँ आ गए चोर, उन्होंने खोल ली भैंस,
इसकी खुल गई आंख है भाई, सही बता रहे हो, ऐसी तो है कहानी। हाँ सही है। तो इसका हो गया होता मैं रिश्ता तय, तो इसने चोरों से कही कि भैया अगर तुम्हारे महज खोल के ले गए मेरी तो मैं तो रिश्ता टूट जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट हमारी समझ में तो बाहर है कि अगर भैंस चोरी हो जाएगी तो रिश्ता टूट जाएगा। समझिए जरा सतेंद्र क्या वजह ही पूछी तेरे ना उससे। पूछता यार उससे पूरी बात तो पूछता भाई, भैंस खुलने से ब्याह टूट जाएगा ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो समझने वाला लॉजिक है। अब ये बात अधूरी रह जाएगी यार। चल अच्छा पूछ के बताइए मुझे उससे, ठीक है सतेंद्र पूछ के लॉजिक बताइए कि किसके पीछे कारण क्या है। यार वो मान गए ना लेके, फिर ना लेके तो सही है यार ट्रिक। यो अभी सतेंद्र जब से जैक चले हैं तो हर आदमी रस्सी टाइट कर लिया है, एक आदमी और ना तू तो भैया आदमी को ढूंढते रहा करता। हाँ। तो यो भी ना कर वजन के आधार पर थोड़ी बहुत रस्सी टाइट कर लेता। हाँ। कितना वजन है तुझमें? साठ किलो है। दोबारा तो लिए पता करिए भैया, पता मुझे तो शंका है। कितना होगा तो वजन? वजन मेरा अंदाजा कह रहा है 55 के आसपास होना चाहिए। इतना ही होना चाहिए वजन। वजन तो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि भैया तगड़ा होगा जब भी तो काम सही चलेगा, ठंड भी कम लगेगी और झगड़े भी कम होंगे। अब तू लगा ले तगड़े का और हल्के का इतना मसला हो गया है कि एक जर्मन शेफर्ड का कुत्ता हो बहुत तगड़ा देखने में और बिल्कुल सीधा हो चाहे कुछ ना करता हो तो उससे डरेगा आदमी है ना, कि आए पता ना क्या कर देगा कुत्ता। और एक छोटा सा वो है वो जो आम है जिनमें गोदी में खिलाते पड़ते रहे मैं शहर के लोग। हाँ पमेलियो समेलियो ने कौन सी आफत है वो, उनसे वो चाहे कितनी खतरनाक हो उनसे डरता आदमी, उसे पता है एक लात मारूंगा दूर जाग गिरेगी। हाँ तो ये हो गया साइज का सर। अब गन्ना इसमें कितने निकले गन्ने खेत में, अब भरी जाए दिखाई देगी ना तगड़ी का गन्ना बहुत है। वजन देवे ना देवे इधर को, इधर को, इधर को। हाँ इधर अपने जहाँ तेरे पैर है ना वहाँ को डाल दे पट्टी को और ऐसे इधर कर दिए। थोड़ी ठुक तो गई है वो लीक, अब निकल जाना चाहिए चलेगा बाद में। देख ले भाई सतेंद्र पहले यहाँ के आके गणित कितनी स्पीड रखेगा, कितने एंगल में चलाएगा ट्रैक्टर, तू ही जाने भैया। फावड़े से एकदम जाता है, फावड़ा ना लाए हम। अब यहाँ अगर पहिया आ गया ना फिर ना रुकेगा, यहाँ गाड़ी के पहिए आ गए इसका मतलब ये हो ट्रैक्टर के पहिए वहाँ पहुँच जाएंगे सूखे में। सहरा कहानी है यहाँ की, और एक समस्या ट्रैक्टर की हो कि ट्रैक्टर जो मट्टी खोदा है वो डाल है उसके पहिए का गाड़ी के, फंस तो खुद जा है अपने यहाँ की। बस तेरा आए भाई जब सतेंद्र लेके आओ अरे बिंदास लेके आ तू आराम से। हट जा गुड्डू सामने से हट जा, रेस बढ़ा ले रेस। हो गया काम, हो गया हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया। चलो आज भी बचे, अभी गुड्डू से पूछ ले करना पूरा आया कम है। अरे ना सुनेगा सतेंद्र, अरे कम है पूरा
रखोगे तो रखो। अरे इसे उठा लेते हैं। हाँ रख लो, भर लो भर लो भर लो। अभी इस रावण के देखिए कितने हाथ है, तीन इधर को हैं और तीन इधर के हैं, मतलब ये तो जंक्शन है, चारों तरफ को लाइनें जा रही हैं। चलो इस पर से रावण को बड़ा कर्रा करके बांधा इस वाले को। आज तो गन्ना पूरा है, कल कम रह गया। बैटरी खिंचाई उतारी है, गन्ना पूरा निकलेगा आज।